जनाब आगाज करते हैं। अच्छा, चूंकि हमारे पास कल ही का दिन रह गया, तो हम कोशिश करेंगे कि आज हम तकरीबन 90 तक स्लाइड कवर करने की कोशिश करेंगे और बाकी की स्लाइड फिर कल करेंगे। और कल शायद हम टाइम थोड़ा पहले स्टार्ट कर लें, शायद 8 बजे मे बी। और उसकी रीज़न ये होगी कि ताकि हम सफिशेंट टाइम पे इसको एंड भी कर लें, क्योंकि बहुत से लोगों का कल सुबह 8 से 9 बजे के दरमियान शायद क्विज है। तो कल होपफुली हम 8 बजे के करीब सेशन का आगाज करेंगे, तो वो मैं इंटीमेट कर दूंगा। और आज हमारी कोशिश होगी कि मज़ीद 20 स्लाइड्स अभी जो है कवर करें। तो इसी तरह से IoT इनेबल्ड रिटेल के अंदर क्या होता है कि आप RFID टैग्स, मोबाइल डिवाइसेस, डिजिटल साइन वगैरह इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फिर जो IoT डिवाइसेस होती हैं वो उन चीज़ों को यूज़ करते हुए जो आपकी रिटेल मार्केट है, लाइक आपके बड़े बड़े चेन ऑफ स्टोर्स है, जैसे पंजाब कैश एंड कैरी, मदीना कैश एंड कैरी, या मेट्रो, या कारफोर, इन चेन्स के अंदर जो रिटेल चेन्स हैं, यहाँ पे IoT यूज़ करते हुए आपके बिजनेस और कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपकी इक्विपमेंट मेंटेनेंस को प्रिडिक्ट कर लिया जाता है कि आपके जो इक्विपमेंट अंडर यूज़ हैं उनकी करंट परफॉर्मेंस क्या है और इनको कब मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। इसी तरह से जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, जो फ्लीट मैनेजमेंट है, उसके अंदर आप IoT डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल अपना एक लाइव व्यू ले सकते हैं रन टाइम के ऊपर कि आपकी कौन सी गाड़ी इस वक्त कहाँ पे है, कैसे परफॉर्म कर रही है, रूट ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है वगैरह वगैरह। इसी तरह जो आपके वेयर हाउसेज हैं, वो डेटा वेयर हाउसेज होते हैं, उनमें कितना सामान आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना करंट स्टॉक में है, कितना शेल्फ में है, कितना बिक रहा है, एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट क्या है, एंटिसिपेटेड ऑर्डर रेट क्या है, ये सारी चीज़ें फिर आप जो है ना उस IoT इनेबलिंग डेटा वेयर हाउसेस की मदद से आप इजली नंबर ऑफ क्लिक्स के ऊपर ही डेटा ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो डेटा आ रहा होगा वो भी थ्रू IoT डिवाइसेस क्लाउड पे जा रहा है, जो चीज़ें सेल हो रही हैं वो भी, उनका भी एट द एंड करंट पिक्चर जो है वहाँ क्लाउड पे जा रही है, और क्लाउड देन प्रोसेस करके आपको इस तरह के डैशबोर्ड के ऊपर ही डेटा प्रोवाइड कर रहा होगा। इसी तरह आपके कंज्यूमर आपसे कनेक्टेड रहते हैं, आप कि कोई नई प्रोडक्ट आ रही है तो ऑटोमेटिकली वो उन सब की कंज्यूमर को उसकी इंटीमेशन, उनके कॉन्टैक्ट्स या लिंक्स या जो भी उन्होंने लाइक ईमेल वगैरह दिया हुआ है उसके ऊपर आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। फिर आप टारगेटेड मार्केटिंग कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि हमारा फलां जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, उसका बाइंग पैटर्न ये है, वो इस तरह की चीज़ें पसंद करता है, तो उस टाइप की जो भी नया कोई चीज़ आती है या मॉडल आता है उससे रिलेटेड, उसकी पसंद से रिलेटेड, तो आप उस बंदे को उसकी पसंद की ईमेल में अपडेशन भेजेंगे कि जी फलां चीज़ हमारे पास आई है, तो शायद आप इंटरेस्टेड हैं अगर ये चीज़ लेने में, तो आप प्लीज़ हमें विजिट करें या हमें ऑर्डर दें। तो इससे क्या होगा कि आप फिर हर बंदे को हर चीज़ भेजेंगे ना, तो वो थोड़े से बहुत बोर हो जाता है कि यार इनकी तो यूजलेस मार्केटिंग ईमेल्स आती रहती हैं। लेकिन जब आप उनके बाइंग पैटर्न की वजह से उनकी पसंद नापसंद का आइडिया लगा लें और फिर उनको रेलिवेंट ईमेल भेजें, तो ना सिर्फ वो इंटरेस्ट शो करेंगे, आपकी ईमेल चेक भी किया करेंगे कि यार इसमें हमेशा मेरे काम की कोई चीज़ निकलती है। ठीक है, उनको ये नहीं पता होता कि वो आपके बाइंग पैटर्न से ही आपके काम की चीज़ों का आइडिया लगा रहे हैं, और देन फिर आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों की मार्केटिंग कर रहे हैं जो कि आपकी पसंद की हैं या जो आप यूजली खरीदते हैं। तो इससे फिर ये होगा कि कस्टमर फिर आपके साथ इंगेज होता चला जाएगा। इसी तरह से फिर स्मार्ट स्टोर, जिसने मैंने बताया कि जिसके अंदर आपके जब वेयर हाउस में कोई चीज़ आती है वो रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है ऑटोमेटिकली यूजिंग बार कोड्स एंड एवरीथिंग। उसी वजह से जब वो वहाँ से शेल्फ में मूव होती है तो वो रिकॉर्ड अपडेट होता है, इसी तरह से जब वो बिकती है तो रिकॉर्ड अपडेट होता है। तो इस तरह से आपको किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने पूरे वेयर हाउस से लेके सेलिंग तक का एक जो क्लियर पिक्चर होती है ना, वो नज़र आ जाती है। उसके बाद इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज के साथ भी कुछ मिलकर काम कर रहे हैं, जो कि IoT सोल्यूशन बना रहे थे स्मार्ट बिल्डिंग्स के लिए। और वो क्या कर रहे थे कि वो उन सॉल्यूशंस में शामिल था कि जो अगर आपने किसी बड़े बड़े मॉल्स या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, सेंट चौरस है और इससे रिलेटेड इस टाइप के जो लेवल की जो बिल्डिंग्स हैं या मॉल्स हैं या हाउसिंग कंपार्टमेंट्स वगैरह, इस तरह की जो जगह हैं, यहाँ पे वो नेविगेशन करना बिल्डिंग के अंदर, मेंटेनेंस रिक्वेस्ट जो वहाँ के रिहायशी हैं उन्होंने अगर कोई जनरेट करनी हो, ठीक है, इसी तरह से जो इंजीनियर्स हैं वो
डिज़ाइनिंग के टाइम पे उनको क्या इम्प्रूवमेंट दी जा सकती हैं यूजिंग डिवाइसेस। और इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बिजनेस है जैसे इमार वगैरह है दुबई वगैरह में, तो ये लोग अपनी प्रॉपर्टी की करंट सिचुएशन की कौन कौन से हाउसेस रेंट पे हैं, कौन कौन से अभी फ्री पड़े हुए हैं और पैटर्न किस तरफ जा रहा है, हम ब्रेक इवन पॉइंट पे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर हैं, नीचे हैं, मतलब इस तरह के हज़ारों डिसीजंस लेने के लिए जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है ना, वो आप फिर बजाय मैनुअली या थ्रू पर्संस या थ्रू ह्यूमन इंटरेक्शन कलेक्ट करने के, आप आईओटी डिवाइसेस की मदद से ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी तरह टेक्नोलॉजी कॉम्प्रिहेंटल है, वो भी इस तरह की टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही थी जिसकी मदद से आप बिजनेसेस में, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, फैक्ट्रीज में जो वर्कर सेफ्टी है उसको इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब इसमें सिंपल वो उनकी डिटेल्स लिखी हुई है एक एक पैराग्राफ की, वो आप आराम से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट फील्ड इस्टेब्लिश हो रहा है, इंटरनेट ऑफ बैटल फील्ड थिंग ना, आर्मी मिलिट्री प्लानर जो है उन्होंने भी आईओटी की इम्पोर्टेंस समझते हुए इसको अब अपने मिलिट्री के मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और इसके अंदर स्मार्ट डिवाइसेस, सोल्जर्स होते हैं उन्होंने मुख्तलिफ सेंसर्स पहने हुए होते हैं जिनकी मदद से वो बैटल फील्ड की सिचुएशन को खुद भी देख रहे होते हैं या वो सेंसर्स पीछे जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है उसको डेटा भेज रहे होते हैं। ठीक है, और वो उसकी बेस पे डिसीजन ले रहा होता है। और इसी तरह से अनमैंड एरियल एयरक्राफ्ट जो हैं वो टोटली सेंसर्स की बेस के ऊपर वही काम कर रहे होती हैं जो कि एक ह्यूमन पायलट वहाँ पे बैठ के काम कर रहा होता है कि उड़ाने के लिए या किसी जगह के किसी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बजाय इसके कि अब आप जहाज में पायलट बिठा के भेजें, आप बहुत सारे सेंसर्स और एक इंटेलिजेंट कंट्रोलर की मदद से आप क्या करते हैं कि वही सारे काम जो पहले एक पायलट उस जहाज में बैठ के परफॉर्म कर रहा होता है, वो अनमैंड एयरक्राफ्ट के अंदर वही काम सेंसर्स और उसके साथ जो उसका कंट्रोलर होता है इंटेलिजेंट वो कर रहा होता है कि वो सेंसर से डेटा लेता है और देन उसकी बेस पे डिसीजंस भी लेता है, वो एयरक्राफ्ट की मैनूवरिंग भी करता है, उसको टारगेट तक पहुंचाने और वहाँ से वापस लाने का भी जिम्मेदार होता है, और टारगेट पर पहुंचने के बाद टारगेट को डिस्ट्रॉय करने का भी जिम्मेदार होता है। ठीक है, इसी तरह से सॉफ्टवेयर डिफाइंड एयरक्राफ्ट बनते जा रहे हैं और जितने भी जो फिफ्थ जनरेशन जो फाइटर जेट्स बन रहे हैं वो इस तरह की प्रोसेसर और उनके अंदर पूरा एक आईओटी का एक जाल बिछा होता है कि जिसके अंदर जो मेन प्रोसेसर होते हैं वो सेंसर से डेटा उठाते हैं और उसके बाद वो डेटा प्रोसेस करने के बाद फाइनली बड़े रिफाइंड फॉर्म में पायलट को पेश करते हैं और पायलट उसकी बेस पर डिसीजन लेता है। उसके बाद जो अगली जो फिफ्थ जनरेशन जो जिसकी भी हम बात कर रहे थे फाइटर्स की, वो ग्रेजुअली अब आईओटी और इंटेलिजेंस ऐड करते हुए अब ये पॉसिबल है इन फ्यूचर वो जो जब जाएंगे अटैक करने वो अकेले नहीं जा रहे होंगे, उनके साथ लाइक 100 छोटे छोटे ड्रोन्स भी होंगे जिनको एज पर द कमांड और ऑर्डर्स ऑफ द मेन पायलट वो जो जहाज के फिफ्थ जनरेशन जहाज के जो कंट्रोलर्स हैं वो आगे उन ड्रोन्स को एक्टिवेट करेंगे, उन ड्रोन्स को कंट्रोल करेंगे और वो ड्रोन जो है वो आपको सपोर्टिव रोल या कम्बैट में मोर पावर या आपकी डिफेंस शील्ड के तौर पर वो काम करेंगे। मतलब वो अलग अलग एरियाज हो सकते हैं, उनको फिर हम डिटेल में कभी फिर डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो हमारा फोकस है वो फिलहाल जो क्विज है उसको हमने टारगेट करके आगे चल रहे हैं। तो अब इस सारी चीज़ों से गुजर के जो हमारे जहन में आईओटी डिवाइस का कंसेप्ट बनता है वो ये है कि आईओटी डिवाइस वो होती है जो कि नंबर एक ये कनेक्ट हो इंटरनेट से, सिक्योर हो, उसके अंदर स्मार्ट फीचर्स हो, उसके अंदर कैपेबिलिटी हो कि वो इंटरनेट से और दूसरी डिवाइसेस से, चाहे वो सेंसर्स हो, एक्चुएटर्स हो या दूसरे माइक्रो कंट्रोलर हो या दूसरी आईओटी डिवाइसेस हो, उनसे वो कम्युनिकेट भी कर सके, उसको हम रिमोटली कन्फिगर कर सकें। ठीक है, वो प्रोग्रामेबल भी हो और वो रिप्लेसेबल भी हो। रिप्लेसेबल से बोला ये कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने सेंसर लगाए थे वो पानी वाली एग्जाम्पल में 50, तो 50 में से 2 सेंसर खराब हो गए, तो अब आप क्या करें कि बस उन 2 सेंसर की जगह नए 2 सेंसर खरीद के लगाएं
और उसको कनेक्ट करें अपने आईओटी गेटवे से, तो वो वही काम करना शुरू कर दें जो कि इससे पहले हो रहा था, कि वो डाटा कलेक्शन ऑफ द ह्यूमिडिटी वैल्यू इन द सॉइल। ठीक है, और इन्वायरमेंटली फ्लेक्सिबल हूँ, इसका मतलब ये है कि जिस तरह हमने इस वाले एग्जाम्पल में देखा, तो हमारे वो जो ह्यूमिडिटी के सेंसर्स हैं वो कहाँ लगे होंगे, वो एक ओपन एरिया में लगे होंगे, ज़मीन के अंदर आपने दबाए हुए होंगे, उन पर बारिश भी पड़ी होगी, मिट्टी भी पड़ी होगी, कोई बंदा अगर वहाँ पे वॉक करता है तो उसका दबाव भी पड़ रहा होगा पाँव का, क्योंकि अगर आपने ज़मीन में दफन भी किए हैं तब भी जा रहे, अगर बंदा उसी जगह पर आगे खड़ा होता है तो उसकी जो बॉडी का वेट है वो उस पर इम्पेक्ट हो रहा होगा। तो इन सब चीज़ों को को एब्जॉर्ब करने की, यानी कि इन सारे इश्यूज के साथ ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी भी उन डिवाइसेस और उन सेंसर्स में होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो स्लाइड है वो डिस्कस करती है कंज्यूमर वर्सेस बिजनेस गोल्स फॉर आईओटी ना, तो जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स होते हैं वो क्लाउड कनेक्टेड डिवाइसेस नॉर्मली इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, और उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि इससे उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए। इसमें किस तरह की डिवाइसेज होती हैं, कि डोर बेल हो सकते हैं, डोर लॉक हो सकते हैं, जो कि आपके आईटी वाईफाई ऐसे कंट्रोल हो जाए, आपके थर्मोस्टेट हो सकते हैं, आपकी स्मार्ट लाइट्स हो सकती हैं, कि यार आप घर से बाहर हैं, शाम हो गई है तो आप चाहते हैं कि यार अगर मैं अब घर पे नहीं हूँ, कोई भी घर पे नहीं है, तो अब अगर घर अंधेरे में डूब गया है, किसी ने बाहर वाली डोर की लाइट्स नहीं जलाई, तो आम भी बंदा समझ जाएगा कि इसका मतलब है कि इस घर के मकीन घर पे नहीं है, तभी रात हो गई है, लेकिन इस घर की भी मेजर लाइट्स नहीं जल रही ना, तो आप चाहें तो आप नेट पे बैठे बैठे कहीं पे भी हैं, आप बाहर गए हैं सारी फैमिली के साथ, वो शाम होती है तो आप क्या करेंगे, वहाँ बैठे बैठे अगर आपके घर में स्मार्ट लाइट डली हुई है तो इंटरनेट से कनेक्ट होकर आप उन पोर्च वाली लाइट्स को ऑन कर दें, ताकि बावजूद से कि आप घर नहीं है, लेकिन आपके घर की जब लाइट्स कोई बाहर बैठे बैठे आपने जला दी है यूजिंग स्मार्ट आईओटी डिवाइसेस, तो लोग समझेंगे शायद ये घर वालों ने खुद ही चलाई है, घर वाले इस वक्त घर ही हैं, तो अगर कोई चोर चोरी करें घर आधा बना रहे तो वो इसको कर नहीं पाएगा इस डर से कि शायद यहाँ पे लोग घर पे हैं। इस तरह से मतलब है कि लोग अपनी लाइफ इजियर, जैसे हमने रेफ्रिजरेटर की एग्जाम्पल ली थी, कि वो देखते हैं कि अंडे कितने रह गए हैं, और उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम होने पर ऑर्डर ऑटोमेटिक कर देता है। ये सारी चीज़ें लोग ना अपने आसानी के लिए, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं, और ये सारी आती है कंज्यूमर आईओटी कैटेगरी में। ठीक है, और जो बिजनेस गोल्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं कंज्यूमर गोल्स से। ठीक, तो बिजनेस गोल आईओटी क्यों इम्प्लीमेंट करती है, नॉर्मली उनकी अलग ही सोल्यूशन होता है कि यार हम ये आईओटी इम्प्लीमेंट करें ताकि हमारा सिस्टम हमें ज़्यादा प्रॉफिट देना शुरू कर दे, या हमारा सिस्टम के अंदर जो वर्कर सेफ्टी है वो इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, या कोई गवर्नमेंट की रेगुलेशन है कुछ खास तरह की, तो उनको फुलफिल करना जो नॉर्मल ह्यूमन इंटरवेंशन है उससे कुछ ज़्यादा शायद फ्रूटफुल ना हो, तो उसके लिए हम जो है ना आईओटी इंप्लीमेंट करते हैं, ताकि हमारा जो गवर्नमेंट के रेगुलेशन है वो हम प्योरली इंट्रो लेटर एंड स्पिरिट जो है ना उसको इंप्लीमेंट कर सकें, या ये भी पॉसिबल है कि हम एक बेहतर बिजनेस एनवायरनमेंट में काम करने के नुक्ते को सामने रखते हुए हम आईओटी इंप्लीमेंट कर रहे हो। ठीक है, फिर जैसे हमने शुरू में बात की कि हम प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आपके पैसे की टर्म में आप ज़्यादा पैसा कमाना शुरू करते हैं, बल्कि ये भी हो सकता है कि इनडायरेक्ट फॉर्म में आप चाह रहे हो कि यार आपको बेनिफिट मिले, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाए, आपकी वेस्टेज रिड्यूस हो जाए, ठीक है, आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, आपको अपनी क्वालिटी कंट्रोल ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो जाए आपके, और उसकी मदद से आप फिर जो है कंपिटेटिव एडवांटेज हासिल कर लेंगे, यार इस कंपनी की प्रोडक्ट तो हमेशा बड़ी फिट होती है, कभी भी कोई इसमें इशू नहीं निकलता। ठीक है, इस तरह के मामला को टारगेट करते हुए आपका जो बिजनेस मॉडल या बिजनेस एंटिटीज होती हैं वो आईओटी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, और जो कंज्यूमर लेवल के ऊपर आईओटी डिवाइसेज हैं वो इस तरह हमने ये वाली देखी थी कि ये सारे गोल जो हैं ये जो पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किए एंड में, वो थे बिजनेस रिलेटेड आईओटी इम्प्लीमेंटेशन के गोल्स, और कंज्यूमर की एग्जांपल ये हो सकती है कि आप कनेक्टेड रेफ्रिजरेटर्स लगा लें, कनेक्टेड डोर बेल्स एंड कैमरास या लॉक्स लगवा लें, कनेक्टेड थर्मोस्टेट्स लगवा लें, कनेक्टेड लाइट्स लगवा लें, ठीक है, कनेक्टेड एसीज हों जिनको आप कहीं पे भी बैठ के उनको कंट्रोल कर सकें, ऑन कर सकें, ऑफ कर सकें, उनकी वैल्यू थर्मोस्टेट की हाई और लो कर सकें, वगैरह वगैरह। जबकि बिजनेस गोल्स क्या आ जाएंगे, आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी को इन्हेंस करना, प्रोडक्ट लाइफ टाइम को इन्हेंस करना, सर्विस की रिलायबिलिटी और अप टाइम को इंश्योर रखना, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी गेन करना, वर्क फोर्स की सेफ्टी को इंश्योर करवाना,
या गवर्नमेंट की कंप्लाइंस को अवॉइड करना, ये सारे बिजनेस गोल्स हो सकते हैं जिसके लिए यूजुअली ये जो बिजनेसेस होते हैं ये अप्लाई करवाते हैं आईओटी। फिर वर्टिकल लेवल पे अगर हम जाएं तो आईओटी कैन बी यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, आईओटी कैन बी यूज फॉर बिल्डिंग ए स्मार्ट सिटी, आईओटी कैन बी यूज टू बिल्ड अ स्मार्ट बिल्डिंग, आईओटी कैन बी यूज टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू द पेशेंट्स, आईओटी कैन बी यूज टू सेव और बेटर यूटिलाइज द एनर्जी सिस्टम्स। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर एफिशेंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्मार्ट व्हीकल्स, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू कंट्रोल लॉजिस्टिक्स एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसी तरह से जो रिटेल सर्विसेज हैं वहाँ पे आप आईओटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर के अंदर आईओटी डिवाइसेस यूज करते हुए आप जो है अपनी क्रॉप्स मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, ये जो हमने पौधों को पानी देने वाली एग्जाम्पल दी थी वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें यूज कर सकते हैं। और मिलिट्री वाले के ऊपर भी हमने स्लाइड डिस्कस की थी जिसके अंदर वो जो यूजिंग अनमैन्ड एरियल एयरक्राफ्ट और इसी तरह से दीगर चीज़ें वो जो हैं यूज़ करते हुए वो ड्रोन्स वगैरह के इस्तेमाल के थ्रू वो मिलिट्री में या जो सोल्जर्स हैं उनकी बॉडी या उनके जो वियरेबल्स हैं उसमें वो सेंसर्स लगा के उसकी मदद से यहाँ पर इम्प्रूव्ड डेटा ले सकते हैं बैटल फील्ड का, उसके बेस पे बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और मेजर चीज़ें क्या होती हैं एक आईओटी के सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर? एक था हमने पढ़ा कि आईओटी डिवाइस का आर्किटेक्चर था जिसमें क्या क्या था, मेजर तीन चीजें थी। नंबर एक तो ये था कि आपके सेंसर थे, फिर माइक्रो कंट्रोलर था और फिर एक्चुएटर्स थे। अब जो आईओटी सिस्टम है उसका आर्किटेक्चर क्या होगा, उसके अंदर डिवाइसेस आ जाएंगी। ठीक है, उसमें आईओटी डिवाइस भी हो सकती है और गेटवे डिवाइस जो एज पे लगे होते हैं वो भी हो सकते हैं। ठीक है, उनका काम क्या होता है कि एक तो डेटा सेंस करना सेंसर से, एनवायरनमेंट से, उसको प्रोसेस करना और उसको सेंड करना क्लाउड पे या क्लाउड से डेटा रिसीव करना। फिर दूसरी चीज़ होगी क्लाउड सर्विस। क्लाउड सर्विस क्या करेगी कि जितनी भी आईओटी डिवाइसेस उससे कनेक्टेड हैं उससे डेटा लेगी और उन डिवाइसेस को मैनेज भी कर रही होगी। फिर प्रोसेसर होंगे, स्ट्रीम प्रोसेसर होंगे जो कि उन डिवाइसेस से कलेक्टेड डेटा को क्लाउड के ऊपर कंज्यूम करेंगे, उसको बिजनेस प्रोसेस में ट्रांसफॉर्म करेंगे और उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करेंगे और उसको स्टोर भी करेंगे। और चौथा पॉइंट होगा यूजर इंटरफेस, जहाँ पे जो प्रोसेसिंग के बाद आपके पास रिजल्ट्स आए हैं वो आप रिजल्ट्स यूजर को प्रेजेंट करेंगे, यूजर उसके बेस पे कोई डिसीजंस लेगा और उसके अलावा यूजर चाहे तो उसी इंटरफेस को यूज करते हुए उन डिवाइसेस को प्रोग्राम और कन्फिगर भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यही सारी एग्जांपल, यही सारी डिटेल जो है वो इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस डिस्क्राइब की गई है कि क्लाउड गेटवे क्या होता है, ठीक है, स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है, बिजनेस प्रोसेस इंटीग्रेशन क्या होगी, स्टोरेज क्या होगी और यूजर इंटरफेस क्या होगा, इसको स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम उसी डिस्क्रिप्शन की एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि आपके पास कुछ आईओटी डिवाइसेस हैं जो कि आपने इम्प्लीमेंट की हुई अपने बिजनेस में, अपने घर में, अपने एरिया में, अपने शहर में। ठीक है, और वो क्या कर रही हैं, वो डेटा कलेक्ट कर रही हैं, वो डेटा कलेक्ट करके वो क्लाउड गेटवे को भिजवा रही हैं। क्लाउड गेटवे क्या कर रहे हैं, क्लाउड गेटवे नंबर एक तो ये कि उस डेटा को रिसीव करने के बाद स्टोर कर रहा है स्टोरेज के अंदर। ठीक है, फिर उसके साथ साथ उस डेटा को स्ट्रीम प्रोसेसर को भिजवा रहे हैं, स्ट्रीम प्रोसेसर उसको प्रोसेस करके उसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल के उसको स्टोर भी करवा रही है। ठीक है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को, और उसके बाद यूआई और रिपोर्टिंग के टूल इस्तेमाल करते हुए वो उसके ऊपर कुछ ग्राफ, कोई इंटेलिजेंट आउटपुट्स भी निकाल रही है। ठीक है, फिर ये जो तो सारा डेटा है ये भिजवाया जा रहा है बिजनेस इंटीग्रेशन मॉड्यूल को। बिजनेस इंटीग्रेशन मॉड्यूल क्या करता है कि वो उस डेटा को, प्रोसेस डेटा को या वो जो आपकी आउटपुट की रिपोर्ट्स आई हैं उनको प्रेजेंट करता है एंड यूजर की तरफ, और एंड यूजर उस डेटा को देखते हुए कुछ एक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है, और वो जो एक्शन होते हैं वो वेल इन्फॉर्म डिसीजंस होते हैं, इंटेलिजेंट डिसीजंस होते हैं, बिकॉज दोज डिसीजंस आर नाउ बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड फिगर प्रोवाइडेड बाय द डेटा कलेक्टेड बाय दोज आईओटी डिवाइसेस। ठीक है, इसके बाद इसमें दो तीन ऑप्शनल सब सिस्टम भी फिर ऐड हो सकते हैं, ये तो थे ना कोर फंक्शंस। अब आप इसमें टेलीमेट्री डेटा ऐड कर सकते हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं
कि वो जो डिवाइसेस का जो टेलीमेट्री डेटा आ रहा है, वो कौन सी डिवाइस कहाँ पे लगी हुई है, उसकी करंट सिचुएशन क्या है, उससे रिलेटेड डाटा, जो डिवाइस डाटा अबाउट द डिवाइसेस होगा उसको यूज करते हुए आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यार मेरी जो बैटरीज का टाइम है डिप्लेट होने का वो है फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ, तो मैं उसको इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ वगैरह वगैरह इस तरह की। या मेरे फ्ला एरिया में अक्सर सेंसर जो है ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो फिर मैं वहाँ पे जाके रिसर्च करूँ कि अच्छा यार इसी एरिया के सेंसर ही ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं वगैरह वगैरह, तो उनके ऊपर भी आप कुछ थोड़ा सा मजीद काम कर सकते हैं और अपने सिस्टम को मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग जो करती है कि जो डाटा कलेक्ट हुआ है उसके ऊपर डिफरेंट तरह की एल्गोरिदम परफॉर्म करती है, और उसकी मदद से फिर आपको ट्रेंड एनालिसिस देती है कि आप बेस्ड अपॉन योर हिस्ट्री ऑफ द इवेंट्स, मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि आइंदा आपका जो सिस्टम है इस तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। और उसके बाद एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लेकिन वो ऑप्शनल है, वो है यूज़र मैनेजमेंट। यूज़र मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि आप जो रोल्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं सिस्टम की, उनको आप डिफरेंट रोल्स में डिवाइड कर देते हैं। जिस तरह एक रोल होगा डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर का, उसका काम क्या होगा कि जितनी भी डिवाइसेज आपके आईओटी सिस्टम में कनेक्टेड हैं उन सब की लाइक मेंटेनेंस या उस सब की कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है। फिर एक मेंटेनेंस सेक्शन होगा जिसका काम होगा कि उन सारी डिवाइसेस की मेंटेनेंस करना, वो उन डिवाइसेस को प्रोग्राम नहीं कर सकेगा, सिर्फ मेंटेन कर सकेगा। और इसी तरह से और मतलब इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक रोल होगा यूजर्स का, ये वो यूजर्स होंगे जिन्होंने कलेक्टेड डाटा की डिफरेंट तरह की फॉर्म में देखना होगा, ग्राफ की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में, और उसके बेस पर डिसीजंस लेने होंगे, ठीक है। तो ये आप यूजर मैनेजमेंट के थ्रू इन सारे टास्क को अलग अलग रोल्स में डिफाइन करके, वो रोल रेलिवेंट यूजर को असाइन करके, आप यूजर को वो ऑप्शन दे सकते हैं कि वो इस आईओटी सिस्टम में से अपनी मर्जी का जो काम है या जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जॉब रिक्वायरमेंट है, वो वाले काम रन कर सके, ठीक है। अब ये वही सेम डिवाइस है, वो जो सॉरी पे सेम फिगर है जो हमने भी पिछली से पिछली स्लाइड में देखी थी, इसमें वो चीज़ें ऐड हो गई हैं, ये जो ऑप्शनल कंपोनेंट है ना ये भी ऐड हो गए। कैसे? देखिए ये वही चीज़ है यहाँ पे जो कि वो हमने वहाँ पे डिस्कस की थी कि आपकी आईओटी की एज डिवाइसेस हैं, ये डिवाइसेस यहाँ से डाटा दे रही हैं क्लाउड गेटवे को, सेम फिगर है, सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ ऐड हो गई है। ये क्या है? बल्क डिवाइस प्रोवीजन है। जिस तरह हमने उस वक्त डिस्कस किया था कि हम लोगों ने हर 500 मीटर के फासले पे वो ह्यूमिडिटी सेंसर लगा दिया, और हम चाहते हैं कि नहीं यार हमारा डाटा थोड़ा और एक्यूरेट हो, तो 500 मीटर तो काफ़ी ज़्यादा है, हम 200 मीटर के फासले पे ना एक सेंसर लगाएंगे। अब क्या होगा कि अब आपका सिस्टम ऐसे डिजाइन हुआ होना चाहिए कि पहले आपने वहाँ पे 50 सेंसर लगाए थे, अब आप 50 और लगाना चाह रहे हैं, तो जस्ट अब आके सेंसर इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपका सिस्टम सेंसर्स के साथ कंपेटेबल हो, वो कॉन्फ़िगर होते साथ ही काम शुरू करते हैं। पहले आपको 50 सेंसर से डेटा मिल रहा था, अब जूँ ही आपने अगले 50 और लगाए तो आपको 100 सेंसर से डेटा मिलना शुरू हो गया। आपको ज़्यादा उसमें मेहनत तगो ना करनी पड़े, ये ना करना पड़े कि वो जो पिछले 50 है तो और तरह के थे, किसी और कंपनी के थे, अब तो इनके साथ ये कंपेटिबल नहीं है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आपका ना ये बल्क डिवाइस प्रोविजनिंग का सेटअप जो है उसमें ज़रूर होना चाहिए, कैपेबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए कि आप उसमें बाद में सिर्फ डिवाइस नहीं ऐड करें तो वो आपको मजीद बेहतर किस्म का डाटा जो है ना प्रोवाइड करने के काबिल हो जाए, ठीक है। बाकी आगे भी वाला काम हो रहा था कि आपका क्लाउड गेटवे उसको प्रोसेस करके स्ट्रीम प्रोसेसर को भी भेज रहा था, स्टोरेज भी भेज रहा था, और यूआई एंड रिपोर्टिंग भी कर रहा था। ये सारी भी पुरानी चीज़ें थी, प्लस इसमें एक चीज़ यूज होगी, यूजर मैनेजमेंट ऐड होगी। यूजर मैनेजमेंट क्या कर रही है कि वो जो यूआई एंड रिपोर्टिंग टूल जिस तरह का डाटा और ट्रेंड शो कर रहे हैं उसको फिर देख के उसकी बेस पे बिजनेस डिसीजन ले सकें, ठीक है। फिर इसी तरह से अब आगे चले जाते हैं तो यहाँ पे बिजनेस इंटीग्रेशन वाले ऑप्शन में उन्होंने मशीन लर्निंग ऐड कर दी, और मशीन लर्निंग क्या करती है, आपके प्रीवियस डाटा एंड जो आपका अभी तक पैटर्न ऑफ वर्किंग चलाता आ रहा है उसको सामने रखते हुए आपको फ्यूचर प्रडिक्शन देती है कि जनाब आप अगर ऐसे ही चलते रहे तो ये हो सकता है, आपको प्रॉफिट होगा, आपको लॉस होगा, या आपको ये बता रहा होता है कि करंट ट्रेंड ऑफ द कंज्यूमर ये चल रहा है, उसके बेस पे अगले साल में या अगले 6 महीने में आपको इस तरह की कंज्यूमर्स या इस तरह की रिक्वायरमेंट्स का सामना करना पड़ेगा, या ये चीज़ आजकल इसकी जो रिक्वायरमेंट है मार्केट में वो रेज कर रही है, तो आप इस तरह की चीज़ को खरीद लें ताकि वो जो स्टॉक है वो आपका मजीद आपके बिजनेस में इजाफे का सबब बन सके वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे वही जो 3 ऑप्शनल कंपोनेंट्स है ना यहाँ पे जो हमने पढ़े थे पिछले साल में, ये यहाँ पे उसी सेम जो ये वाली स्लाइड थी इसके अगर वो ऐड हो गए, ठीक है जी।
उसके बाद है क्या है आईओटी हार्डवेयर, कि आईओटी में आपको क्या क्या हार्डवेयर चाहिए होता है। नंबर एक तो है कि आपको आईपी इनेबल्ड डिवाइसेस चाहिए होती हैं, ठीक है। फिर आपको कम्युनिकेशन का एक लिंक चाहिए होता है जिसके ऊपर वो डिवाइसेस थ्रू दैट कम्युनिकेशन लिंक फिर इंटरनेट से कम्युनिकेट करते हैं। और इंटरनेट के ऊपर आपको चाहिए होती है क्लाउड सर्विसेज, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस और क्लाउड की स्टोरेज की सर्विसेज चाहिए होती है, जहाँ पे आप मुख्तलिफ कंपनियों से डाटा कलेक्ट करते हैं, वहाँ पे स्टोर करते हैं और फिर क्लाउड पे उनको प्रोसेस करवाते हैं। प्रोसेस करवाने के बाद जो भी मीनिंगफुल रिजल्ट होते हैं वो एंड यूजर को भिजवा देते हैं, ताकि उनको फर्दर रिव्यू करके उनमें काम कर सकें, ठीक है। और इसके अलावा सेंसर्स और स्मार्ट सेंसर्स इसके अंदर आ जाते हैं। सेंसर क्या होते हैं वो तो आपको समझ में आ गई कि यार वो सेंसर वो चीज़ है जो कि इन्वायरमेंट से डाटा रीड करते हैं और देन उसको माइक्रो कंट्रोलर को भिजवा देते हैं। लेकिन ये स्मार्ट सेंसर होती है ना, ये इनको बीच में माइक्रो कंट्रोलर और इन चीज़ों की जरूरत नहीं होती, ये इंटेलिजेंट होते हैं। इसके अंदर उन्होंने बिल्ट इन फैसिलिटी रखी होती है कि ब्लूटूथ से या वाईफाई से ही किसी चीज़ से वो कनेक्ट हो जाएंगे आपके लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर, और वहाँ से फिर जाहिर है अच्छा सॉरी, आज मेरा दिन बड़ा हेक्टिक था तो मुझे पता नहीं चला कि मैं क्या बोल रहा था। अभी मुझे वाकई हल्का सा झोंका आ गया था नींद का, तो मेरा ख्याल है मैं गलत नहीं बोला हूँ। तो वो जो डिवाइसेस होती हैं स्मार्ट वाली, वो खुद वो खुद ही अपने आप को कन्फिगर कर लेती हैं। वो उनके अंदर ही मतलब एक बिल्ट इन उन्होंने जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उन्होंने ये एबिलिटी रखी होती है कि वो नेट से कनेक्ट होकर डाटा को नेट के ऊपर क्लाउड सर्विसेज से डायरेक्टली भिजवा सके। जबकि जो आपके अपने सेंसर्स होते हैं उनको बीच में गेटवे चाहिए होता है, आप गेटवे से कनेक्ट करते हैं देन गेटवे उनको थ्रू करवाता है क्लाउड सर्विसेज के ऊपर। लेकिन जो नेस्ट की डिवाइसेज है जैसे थर्मोस्टेट है नेस्ट के या इसी तरह के, और फिलिप्स के स्मार्ट बल्ब होते हैं या आजकल वो ओरिएंट वाले और इस तरह के शायद कोई एसीज आ रहे हैं वो भी इंटरनेट से कंट्रोल हो जाते हैं। तो ये सारी डिवाइसेस उनको सिर्फ अपने वाईफाई का पासवर्ड वगैरह दें, बाकी सारे काम वो खुद ही करके अपना वो जो भी उनका जो क्लाउड सर्विस होती है उससे कनेक्ट हो जाती है, पहले से कन्फिगर्ड होती हैं और उससे कनेक्ट होकर वो फिर आगे अपना डाटा क्लाउड पे दे देती हैं। और आप फिर ऐप के थ्रू उस डाटा को व्यू करते रहते हैं कि मेरे एसी ने इस महीने कितनी बिजली यूज की है, करंट उसका स्टेटस क्या चल रहा है, ऑन है ऑफ है, ऑफ है तो ठीक है, ऑन है तो किस थर्मोस्टेट लेवल के ऊपर ऑन किया हुआ है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये वही वाली बात आ गई कि ये वाली जो सेंसर से या स्मार्ट डिवाइसेस थी ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती हैं क्लाउड सर्विसेज पे, इनको सिर्फ चाहिए होता है आपका गेटवे। जबकि ये है नॉन आईपी इनेबल डिवाइसेस, इनके अंदर इंटरनेट से कनेक्शन की डायरेक्ट बिल्ट इन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो ये ब्लूटूथ के ऊपर या इस तरह किसी चीज़ से कनेक्ट हो सकती है, ठीक है, जिगबी से ब्लूटूथ से। तो होता ये है कि वो जो नॉन आईपी इनेबल डिवाइसेस होती हैं वो बजाय डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट होने के वो क्या करती हैं, वो ब्लूटूथ के थ्रू किसी आईपी इनेबल्ड गेटवे से कनेक्ट होती हैं, और देन वो जो आईपी इनेबल्ड गेटवे डिवाइस होती है वो आगे उससे डाटा रिसीव करके खुद उस डाटा को फिर क्लाउड के ऊपर भिजवाता है, ठीक है। इसकी बड़ी सादा सी एग्जाम्पल है आजकल जो फिटनेस बैंड्स या स्मार्ट वॉचेस चली हुई हैं, अगर आपने यूज किए तो आपको आइडिया होगा कि उसके अंदर इंटरनेट से कनेक्ट करने का, स्मार्ट वॉचेस में तो खैर वो जीएसएम मॉड्यूल उन्होंने दिया होता है उसके अंदर सिम भी लग जाती है, लेकिन जो बैंड्स वगैरह हैं फिटनेस बैंड्स वगैरह हैं उनमें ये होता है कि वो उसमें सिम वगैरह नहीं चल रही होती, तो वो सिर्फ ब्लूटूथ से आपके मोबाइल से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि वो ब्लूटूथ के थ्रू मोबाइल से कनेक्ट होते हैं और मोबाइल के ऊपर फिर आप उस कंपनी की जो ऐप इंस्टॉल करते हैं ना वो उस ब्लूटूथ कनेक्शन के थ्रू आपके स्मार्ट बैंड से वो डाटा उठाती है, और उसके बाद वो ब्लूटूथ की जो जो सॉरी ऐप जो है उस कंपनी की वो जो उस बैंड की जो ऐप है रिलेटेड, वो फिर वो डाटा रिसीव करने के बाद आगे इंटरनेट के ऊपर यूजिंग योर 4G कनेक्शन या यूजिंग योर वाईफाई कनेक्शन वो आगे भिजवा देती है, ठीक है। लेकिन वो जो वॉचेज या बैंड हैं वो वाले वो उनमें खुद ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो डायरेक्टली इंटरनेट से या वाईफाई से कनेक्ट होकर आगे डाटा भिजवा सके, ठीक है। और यहाँ पे उसके एग्जाम्पल उन्होंने सेंसर के दिए कि जो सेंसर्स हैं वो टेम्परेचर के, ह्यूमिडिटी के, एनर्जी के, कंपस के, प्रेशर के, सोनार के,
और लाइट एंड अल्ट्रा वायलेट लाइट के, और इसी तरह के और बेशुमार सेंसर हैं जो कि आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं, और एज पर योर रिक्वायरमेंट जो चीज़ आपने सेंस करनी है वो वाले सेंसर लेके और आगे माइक्रो कंट्रोलर अटैच करके और माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करके आप क्या करते हैं कि आप उसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और बस हमारी मेरे ख्याल 3 4 स्लाइड ही रह गई यहाँ तक हमने जाना था वॉइस तक। वॉइस को इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। तो अब एज डिवाइसेस और फील्ड किट में, अब फील्ड किट में एक स्पेशलाइज्ड डिवाइस है, ये अप्लाइंस है, और इसके अंदर क्या होता है, नंबर एक तो ये कि ये कम्युनिकेशन एनेबलर होता है कि जो नॉन आईपी डिवाइसेस हैं वो इससे कनेक्ट होती हैं और ये उनका डाटा लेके आगे भिजवाता है। एक नंबर दो ये कि ये डाटा प्रोसेसिंग हब के तौर पे भी काम कर रहा होता है। अब ये डाटा प्रोसेसिंग हब क्या चीज़ आ गई है कि देखिए, अगर आपके सेंसर हैं और हर 1 मिनट के बाद डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो अगर आपके बहुत से सेंसर पूरे शहर में इंस्टॉल है और हर 1 मिनट के बाद डाटा जनरेट कर रहे हैं, तो आप देखिए कि क्लाउड के ऊपर कितना डाटा जाना शुरू हो जाएगा और उतने डेटा की आपको वहाँ जरूरत नहीं है। तो इसी सूरत में जो फील्ड गेटवे डिवाइसेज हैं इनका इस्तेमाल करेंगे, इनको कहेंगे कि यार तुम हर डिवाइस से 1 मिनट के बाद डाटा लो। डाटा लेने के बाद क्या करो, उस डाटा को एवरेज करो 1 घंटे पे, 30 मिनट्स पे, 5 मिनट्स पे, फिर वो एवरेज डाटा जो है ना आगे इंटरनेट पे भेजो। इससे क्या होगा कि बजाय एक बम्बारमेंट ऑफ डाटा के, आप मीनिंगफुल या यूजफुल डाटा जो है इन लेस क्वांटिटी आगे भिजवा रहे हो। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर एक डिवाइस है वो हर 1 मिनट के बाद रीडिंग सेंस करती है, सेंसर है, तो 1 मिनट में या 1 मिनट में अगर वो रीडिंग कर रही है तो 1 घंटे में 60 रीडिंग्स बनेंगी। ठीक है, अगर वो 60 की 60 रीडिंग एक डिवाइस की हो और आपकी 500 डिवाइसेज लगी हुई है, तो 3,000 रीडिंग्स 1 घंटे में आगे फॉरवर्ड हो रही होंगी इंटरनेट पर। लेकिन अगर आपका जो क्लाउड गेटवे है वो हर डिवाइस की 1 घंटे की जो 60 रीडिंग आई है उनको एवरेज करके 1 रीडिंग आगे भेजे, तो अगर आपकी 300 डिवाइसेस लगी हैं तो अब 300 ही रीडिंग्स आगे जा रही होंगी। ठीक है, तो इस तरह से करके आप क्या करते हैं कि आप उस जो फील्ड गेटवे है उसको यूज़ करते हुए कुछ लोकल प्रोसेसिंग करवाते हैं, तो जो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा आ रहा है उसको थोड़ा सा प्रोसेस करके मीनिंगफुल डाटा में कन्वर्ट करके फिर उस डाटा को क्लाउड पे भिजवाते हैं, और क्लाउड फिर उसके ऊपर एक्चुअल प्रोसेसिंग करते हैं, और प्रोसेसिंग करने के बाद आपको डिवाइस जो एनालिसिस का जो डाटा है वो शो करता है। और गेटवे जो होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो डिवाइस को कनेक्ट करवाएं, अगर कोई नई डिवाइस आ गई है तो उसको भी कनेक्ट करवा दें आगे सिस्टम के साथ, रजिस्टर करवा दें, डाटा की फिल्टरिंग करें, बैच करें, उस डाटा को एग्रीगेट करें, अगर किसी वजह से इंटरनेट की कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो गई है, डाटा को जब तक इंटरनेट का कनेक्शन अवेलेबल नहीं होता उस डाटा को बफर करें, अपने पास स्टोर रखें, और जो ही नेट कनेक्ट होता है तो वो डाटा आके भिजवा दें, और जब तक नेट की कनेक्टिविटी डिस्टर्ब है तब तक एटलीस्ट सेंसर से डाटा कलेक्ट करते रहें और उसको अपने पास बफर करते रहें ताकि वो डाटा ज़ाया ना हो। ठीक है, और इसी तरह से अगर कोई रूल्स आपने उसमें इम्प्लीमेंट किए हुए हैं तो उन रूल्स की जो प्रोसेसिंग है वो भी करवाएं, डिवाइस से कोई काम करवाना है एक्टिवेटर्स के थ्रू तो वो काम भी कंट्रोल करते रहें। ठीक है, उसके बाद एज कंप्यूटिंग है, और मसला ये है कि हमारा जो सेशन है उसका टाइम कंप्लीट हो रहा है, तो मेरा ख्याल है अभी हम ना यहाँ एज डिवाइसेस एंड फील्ड गेटवे के ऊपर अपना आज का सेशन ख़त्म करते हैं, और कल होपफुली 8 बजे या लाइक दैट मैं कोशिश करूँगा शाम को हम सेशन स्टार्ट करें, ताकि एक तो ये जल्दी फारिग भी हो जाए, और कल हमने करना ये है कि हमने आज वाले कुछ ये 6 स्लाइड्स रह गई हैं इनको कवर करेंगे आके, उसके बाद वॉइस कम्युनिकेशन वाला जो सेक्शन है जो कि हमारा आखिरी सेक्शन है इसको इंशाल्लाह अज़ीज़ कल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम ख़त्म कर रहे हैं इसको एज डिवाइस एंड फील्ड गेटवे के ऊपर, आप सबके हमारे का बहुत बहुत शुक्रिया, और कल इंशाल्लाह अज़ीज़ हम यहाँ से आगे शुरू करेंगे, पहले ही आज के जो रिमेनिंग स्लाइड्स हैं 4 5 इनको ख़त्म करेंगे, और इसके बाद फिर फाइनल जो हमारा सेक्शन है वॉइस कंप्यूटिंग वाला उसको रिव्यू करेंगे। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह कल, होपफुली टाइम 8 बजे होगा रात का, लेकिन मैं फिर भी आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।